जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे टोटल 10 प्रश्न, और इन 10 प्रश्नों में से यदि किसी का आंसर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जाइएगा, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो पिछले वर्षों के जो सरकारी एग्जाम के क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई और पुरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों का महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ऑप्शन है बांसुरी, मृदंग, वीणा और तबला। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर है तबला। नेक्स्ट है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, दीपावली, बिशु और विनायक चतुर्थी और छठ पूजा। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर इसका छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में और इंदौर में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका आप लोगों का भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो ऑप्शन देख लीजिए, भारत, जापान, चीन और फ्रांस। ये क्वेश्चन दोस्तों PCS 2006 में पूछा गया था, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, कोरियर सेवा, फैक्स, ईमेल और स्नेल मेल। तो दोस्तों, ये जो है आपका RRB 2006 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आप लोगों का, तो इसमें राइट आंसर है आपका ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1923 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी और 1957 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या है, 1923 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में और मुंह में। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों RRB 2003 में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है इसका, टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में और केंद्रीय वित्त मंत्री में। तो ये जो है आपका RRB TCCC 2006 में पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, भूटान देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का दोस्तों, भूटान देश।